दूसरे 460 अरब रुपए आईपीपीएस के लोकल कैपेसिटी चार्ज के मद में ड्यू हो चुके हैं, वो भी हमने उनसे कहा था कि जी चाइनीज आईपीपी इसको मौखर कर दें, एकदम से 460 अरब रुपए की रकम हमारे लिए कैपेसिटी चार्ज के मद में देना मुश्किल है। वो भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी ये तो मुआहदे के तहत है। अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर मुआहदे के तहत हम उनके साथ उसी तरह से चलेंगे जैसे वो चाहते हैं तो आप जिंदगी भर इस मुश्किल से निजात नहीं हासिल कर सकेंगे। हमें कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाना है। इसकी एक बेहतरीन रिपोर्ट बनी थी जब इमरान साहब थे और फिर केयर टेकर में मोहम्मद अली साहब मिनिस्टर थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी और आईपीपीस के ऊपर उन्होंने ये एस्टैब्लिश करा था कि कहाँ करप्शन हुई है, कैसे करप्शन हुई है और इसका वे फॉरवर्ड कैसा है, इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने बाकायदा नामों के साथ बताया था, मेरी भी उनसे जाती भी बात इस्लामाबाद में रही है, इज अ वंडरफुल पर्सन, कि एक ही कैपेसिटी के, एक ही पावर के, एक ही मॉडल के, एक ही साल के, एक ही मैन्युफैक्चरर के एक 50 मेगावाट विंड पावर जो है वो 50 मिलियन डॉलर का है और 50 ही मेगावाट का दो और सेम कैपेसिटी, सेम मॉडल, सेम ईयर 105 मिलियन डॉलर का, यानी दुगने से ज्यादा कीमत ओवर इन्वेस्टिंग की है। और फिर साथ साथ 17% गारंटेड प्रॉफिट मुआहदे के तहत हुकूमत से लिया है। इन सब के पैसे तो दो दो बार पूरे वसूल हो चुके हैं जी। तो अब मैं एक काम की चीज आपके चैनल के थ्रू प्रपोज कर रहा हूँ और बहुत वो बड़े बड़े माशेदान और जो हमारे दोस्त हैं बिजनेस कमिटी में उनसे भी डिस्कस की है कि एक तो यह है कि आप वो जो बंद हो गए हैं जो कम एफिशिएंसी पे चल रहे हैं 10-12% की, उनकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे उन्हें आप खरीद सकते हैं, उनसे खरीद लें ताकि हमारी ये जान छूट जाए कि कैपेसिटी चार्ज न चलने की सूरत में भी हम दे रहे हैं। ये एक चीज है। दूसरी, अगर ये साबित हो जाता है कि इसमें बेईमानी की गई है, ओवर इन्वेस्टिंग की है, डबल अमाउंट डिक्लेयर करके उस पर 17% गारंटेड रिटर्न इक्विटी पे लिया है हुकूमत पाकिस्तान से, तो ये एग्रीमेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट इसका टूट जाता है और ये नन एंड वाइड हो जाते हैं, ये नन एंड वाइड हो जाते हैं।